आपका न्यूज तक अब 1 करोड़ के पार, आपका बहुत बहुत आभार। यूं ही बना रहे अपना प्यार। जब जब मोदी पर विपक्ष के हमले तेज होते हैं या घेराबंदी मजबूत होती है, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक चट्टान बनकर खड़े हो जाते हैं। अब उन्होंने फिर मोदी को खुश करने वाला काम किया है। मोदी की परफॉर्मेंस के लिए 10 में से 8 नंबर की रेटिंग दी है। विदेश नीति और एंटी करप्शन के खिलाफ मोदी के एक्शन से बहुत प्रभावित है नवीन पटनायक। हाल ही में उन्होंने पीएम मोदी के लिए जो कहा वो सुन लीजिए। मोदी सरकार ने विदेश नीति और कई अन्य मामलों में जो किया है उसकी वजह से मैं उन्हें 10 में से 8 रेटिंग देता हूँ। साथ ही इस सरकार में भ्रष्टाचार भी कम है। ओडिशा में अगले साल विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे। बीजेडी, कांग्रेस और बीजेपी, इन 3 पार्टियों में चुनावी मैच होगा। नवीन पटनायक कांग्रेस या राहुल के बारे में कुछ नहीं बोलते, लेकिन पब्लिक रैली में पीएम मोदी की जमकर तारीफ कर देते हैं। इस बात की परवाह भी नहीं करते कि मोदी की तारीफ करने से ओडिशा में बीजेपी फायदा ले सकती है। As you know, my party has always promoted the women's reservation bill in the assembly and everywhere else too. We strongly support the women's reservation bill, which I hope will be passed shortly. नवीन पटनायक की ये गजब की राजनीति है जिसकी बारीकी आजकल कोई समझ नहीं पाया। नवीन पटनायक के नाम दूसरे नंबर के लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम का रिकॉर्ड है। एक और रिकॉर्ड है उनके नाम, 25-26 बरस की राजनीति में वो ना वो कभी विपक्ष में बैठे, ना किसी मजबूत विपक्ष को बैठने दिया। सुविधा के मुताबिक कभी बीजेपी को साथ रखा, ना अलग कर दिया। आज भी नवीन पटनायक ना तो बीजेपी के साथ है, ना इंडिया गठबंधन के साथ है, लेकिन उनकी कामना है कि मोदी 3rd term पीएम बन जाए। Recently, I met the Honorable Prime Minister and had a detailed discussion on the proposed Sri Jagannath Puri International Airport at Puri. We will incorporate all the suggestions given by the Honorable Prime Minister for making it a world-class seaside airport, and I'm hopeful that with your cooperation and support, within 3 to 4 years, this airport will be ready and the Honorable Prime Minister will come to Sri Khetra to dedicate the Sri Jagannath Puri International Airport. नवीन पटनायक की राजनीति बदलने के लिए विपक्ष ने कोशिश कम नहीं की। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी नवीन पटनायक से मिले। नवीन पटनायक ने दोनों से शिष्टाचार भेंट कर ली, कर्टसी मीटिंग। साथ आने से मना करते हुए ये भी कह दिया कि आगे से वो किसी से नहीं मिलेंगे। नवीन पटनायक की राजनीति में कंफ्यूजन नहीं है। बीजेडी हर चुनाव अकेले लड़ती आई है। 2024 में भी बीजेडी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव भी अकेले ही लड़ेगी। लोकसभा में ओडिशा के 21 में से 12 सांसद बीजेडी के हैं। मोदी भक्ति की सीरीज कंटिन्यू है। CAA, 3 तलाक, दिल्ली सर्विसेज बिल, आर्टिकल 370, नई संसद, अविश्वास प्रस्ताव, महिला आरक्षण बिल, एक देश एक चुनाव पर बीजेडी के 12 सांसद सरकार के लिए ही वोट करते हैं। चंद्रयान 3 की लाइव सॉफ्ट लैंडिंग देखने के लिए भी नवीन पटनायक टीवी खोलकर बैठे रहे। ओडिशा में बीजेपी को हराना, मोदी की तारीफ या मदद करना नवीन पटनायक की अब नेचुरल पॉलिटिक्स है। इसमें कुछ चेंज तब आएगा जब वो कुछ उल्टा करेंगे। हम जानना चाहते हैं इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना। आप कमेंट्स पर लिखकर अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।